राइनो हॉर्न्स, टाइगर स्किन के बारे में तो हम सब जानते हैं कि इनका इलीगल ट्रेड होता है, पर आजकल सी हॉर्स। और सी कुकम्बर्स का भी ट्रेड बहुत इंक्रीज हुआ है, और ये हमारी मरीन बायोडाइवर्सिटी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं सी कुकम्बर्स के बारे में। हमारे ओशंस में नदी और नालों के रास्ते आया हुआ जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है ना, जो कि एल्गल ब्लूम को सपोर्ट करता है, जिससे कैल्प फॉरेस्ट ग्रोथ रुकती है। सी कुकम्बर्स इन ऑर्गेनिक वेस्ट को डाइजेस्ट करते हैं और एक्सक्रीट करते हैं, जिससे कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द ओशन इक्वल रहे। इसके साथ ही ये ओशन के एसिडिफिकेशन को भी कंट्रोल करते हैं। ओशन एसिडिफिकेशन के बारे में हम लोग जानते हैं, कोरल रीफ्स को बहुत ही नुकसान करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम सी हॉर्स की बात करें तो ये मरीन फूड इकोसिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, फिर भी इनकी इल्लीगल ट्रेडिंग हो रही है। रीज़न, चाइना, जापान और कोरिया से आने वाली डिमांड है। सी हॉर्स चाइनीज़ मेडिसिन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट माना जाता है। वहीं सी कुकम्बर हाई प्रोटीन कंटेंट वाला सूप, बेसिकली चाइनीज़ सूप में यूज़ होता है, जो चाइना, जापान और कोरिया तीनों ही जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। अब मज़े की बात यह है कि ये दोनों ही स्पीशीज़ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना में आते हैं। उसके बावजूद इन सब दोनों की इल्लीगल ट्रेडिंग और स्मगलिंग हो रही है। और ये कहाँ से हो रही है? ये हमारे कोस्टल एरियाज़ जैसे तमिलनाडु, लक्षद्वीप, ऐसे एरिया से स्मगलिंग करते हुए लोग पाए जाते हैं। आपको ज़्यादा जानकारी के लिए आप पेपर्स देख सकते हैं, गूगल पे पढ़ सकते हैं। अगर हम अब भी कोविड के इस मैसेज को नज़रअंदाज कर देते हैं तो हम नेचर के साथ नहीं रह पाएंगे, और हमें आगे जा करके कोरोना से भी बड़ी नेचुरल कैलेमिटीज़ का सामना करना पड़ सकता है।